हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक ट्रेलर भी आ चुका था और अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को। 1 से 8 जुलाई यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक की जो करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो मेन क्वेश्चंस थे हमने उसको लिए हैं आज, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो किसी ना किसी एग्जाम्स के एस्पायरेंट है, किसी ना किसी एग्जाम के फॉर्म को फिल किए हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एक अनाउंसमेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, या कुछ प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उन सभी के लिए महागुप्ता सर के द्वारा लिखी गई ये 2 बुक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इस बुक के खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इसको खरीद सकते हैं। ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी उन कैंडिडेट के लिए जिनको प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में। इस बुक में जो दे रखा है, जिस तरीके से कंटेंट, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और इजीली तरीके से उसको समझाया गया है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, या जो भी कैंडिडेट हैं जो एसएससी की या बैंक की तैयारी करते हैं, वो इस बुक को जरूर खरीदें। इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑप्शन है पांडिचेरी, पणजी, कोच्चि, मुंबई। तो आंसर जो होगा वो होगा मुंबई। मुंबई में जो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको, ये वहां पर एस्टेब्लिश है। और ये हुआ कब था अनाउंसमेंट, ये हुआ था 30 जून को। नेक्स्ट है, हु हैज टेकन ओवर चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CBIC। तो आंसर जो है वो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पी के सिन्हा, दूसरा है बी के चतुर्वेदी, तीसरा अजीत सेठ, और चौथा जो है एस रमेश। तो आंसर होगा एस रमेश। और जो एस रमेश थे वो थे 1981 बैच के IRS। ठीक, IRS की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हूज कैप्टनशिप द इंडियन कबड्डी टीम क्लिंच द 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल। ऑप्शन थे आपके अजय ठाकुर, मोनू गोयल, सुरजीत सिंह और प्रदीप नरवाल। तो आंसर जो होगा वो होगा अजय ठाकुर। और इसमें ईरान को हराया था भारत ने, इंडिया ने ईरान को हराया था 44-26 से। और ये हुआ कब था मैच, ये 30 जून को। नेक्स्ट है, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज ऑथर्ड द बुक 11th आर टू पे ट्रिब्यूट टू द मैन इन यूनिफॉर्म। ऑप्शन है आपके करण थापर, अरुण श्रोई, हुसैन जैदी, मधु तिरहान। तो आंसर जो होगा वो होगा हुसैन जैदी, यानी कि ऑप्शन सी। और जो ये हुसैन जैदी थे, ये क्राइम राइटर है। ठीक, कौन है, क्राइम राइटर। और जो बुक लिखी गई है वो एक रियल इवेंट पे लिखी गई है, जो हुआ था RDX के रिगार्डिंग 1993 में, जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, ठीक उसके ऊपर लिखी गई है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, BBS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। तो सही आंसर जो होगा वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ एक फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी हैं, और इसके साथ साथ इन्हें द वॉल यानी कि दीवार के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों एक बात और जो इसके साथ आप ध्यान रखना, राहुल द्रविड़ के साथ साथ एक तो रिकी पॉन्टिंग, ठीक, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, दूसरा जो है इंग्लैंड से एक विकेट कीपर है जिनका नाम है क्लेयर,
टेलर, ये विकेट कीपर है इंग्लैंड के, इनको भी हॉल ऑफ फेम का अवार्ड इनके साथ मिला है। और ये हुआ कहा था, ये डुबलिन में 1 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट है, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ऑप्शन जो है, परनय रॉय, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, विक्रम चंद्रा। तो आंसर जो होगा वो होगा रजत शर्मा, ऑप्शन सी। और रजत शर्मा के बारे में कुछ पॉइंट है, ये इंडिया टीवी जो है उसके चीफ एडिटर और चेयरमैन है उसके, और इन्होंने जो इलेक्शन हुआ था उसमें मदन लाल को, जो एक क्रिकेटर है मदन लाल, उनको हराया था 517 वोट से। ये 3 साल के लिए बने हैं चेयरमैन DDCA के, ठीक। ये इतने पॉइंट हैं इनके, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द 2018 मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। ऑप्शन है बेल्जियम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। और जिसमें रनर टीम थी, यानी कि जो टीम हारी थी फाइनल में, वो थी इंडिया। इसको पेनाल्टी शूट से हराया था इंडिया को। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कंपेयर्ड विद द नेशनल कालिदास सम्मन इन विजुअल आर्ट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन है कलम कालामंदलम गोपी, अंजलि एला मेनन, सतीश गुजराल, पुत्राज गवई। तो आंसर जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, अंजलि एला मेनन। और ये MP सरकार ने अवार्ड दिया था, और दिया कहाँ था, ये दिल्ली में। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड खादी माल विल सून बी सेट अप बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बिकम द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द इंडेंजर्ड स्टोरिन क्रोकोडाइल इन इंडिया। ऑप्शन थे जिम कार्बेट नेशनल पार्क, बिटार कनिका नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो आंसर जो होगा वो होगा विटार कनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक द बेस्ट डेंटल कॉलेज इन इंडिया। ऑप्शन है आपके डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, रागस डेंटल कॉलेज। आंसर जो होगा वो होगा मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। और ये लगातार 7 साल से इसी को ही अवार्ड मिलता आ रहा। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द 2018 मेंस सिंगल मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। श्रीकांत किदंबी, टॉमी सुगेरेटो, केंटो मोमोटो, ली चोंगवे। आंसर होगा ली चोंगवे। और इन्होंने 12वीं बार यानी कि 12 टाइम्स ये जीत चुके हैं इस मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को। नेक्स्ट है, विच स्टेट UT गवर्नमेंट हैज लॉन्च हैप्पीनेस कैरिकुलम फॉर स्टूडेंट अप टू क्लास 8। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पांडिचेरी, दिल्ली। आंसर होगा दिल्ली। और दिल्ली के CM सबको पता है अरविंद केजरीवाल, और ये 2 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द आर्ट e-waste रिसाइकलिंग यूनिट विल कम अप इन विच सिटी। ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो आंसर जो होगा वो होगा बेंगलुरु। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CIPET, ठीक, CIPET जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर आने वाले 4 महीनों में इसको सेटअप करेगी। नेक्स्ट है, द फेमस कल्चरल फेस्टिवल वेदिन क्लाम 2018 वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट है, विच कंट्री टू होस्ट द 19 एडिशन ऑफ
IUFOST वर्ल्ड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस 2018। ऑप्शन है इटली, इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। तो जो इसको होस्ट करेंगे वो है इंडिया, और ये होगी कब, 23 से 27 अक्टूबर नवी मुंबई में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन आउटस्टैंडिंग पावर बिल वेवर स्कीम संबल फॉर लेबर एंड पुअर फैमिली। तो ये मध्य प्रदेश है, और इसमें लगभग अब तक टिल डेट जब तक 1 करोड़ ठीक और 83 लाख, 1,83,00,000 लोगों ने इस पे रजिस्टर्ड कर दिया है अब तक। Which unique app has been launched by the Election Commission of India (ECI) for people to report model code violation? तो ऑप्शन जो है सी विगिल, पी विगिल, ई विगिल, एम विगिल। तो आंसर जो होगा वो होगा इसका सी विगिल। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट विल बी ऑर्गेनाइज बाई नीति आयोग इन विच सिटी। तो ये होगा न्यू दिल्ली में, और ये जो होगा वो 7 से 8 सितंबर को होगा। नेक्स्ट है, द 2018 वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे WSJD इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, July 5, July 4, July 3, July 2। तो जो आंसर होगा वो होगा July 2। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू कर्व इलीगल कोल माइनिंग एक्टिविटी इन द कोल फील्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। और आपके जो ऑप्शन है वो है खान दोस्त, खान प्रहारी, खान सेवियर, खान रक्षक। तो सही जो आंसर होगा वो होगा खान प्रहारी। और इस ऐप का पर्पस जो है वो यही है कि इसको मोनेटाइज करना, जो भी चीजें एक्टिविटी हो रही है और जो अनऑथराइज हैं उन पे रोक लगाना। और ये हुआ कहा था, ये दिल्ली में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पोषण अभियान टू इरेडिकेट मा न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन जो है आपके वो है महाराष्ट्र, त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम। और सही आंसर जो होगा वो होगा गुजरात, और ये 4 जुलाई को हुआ था ठीक है। और ये आंगनबाड़ी जो एरिया होते हैं वहां पर बच्चों को न्यूट्रिशन वाली चीजें बांटी गई थी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, उमेश दत्तात्रेय सालवी, आदर्श कुमार गोयल, जावेद रहीम, लोकेश्वर सिंह पंता। तो सही आंसर जो होगा वो होगा आदर्श कुमार गोयल। और ये जो है आदर्श कुमार गोयल, ये सुप्रीम कोर्ट में जज थे जो कि 7 जुलाई को अपॉइंटेड हुए हैं। हु हैज बिकम द थर्ड इंडियन क्रिकेटर टू रीच द कोवेटेड माइलस्टोन ऑफ प्लेइंग 500 इंटरनेशनल मैचेस। ठीक, थर्ड इंडियन क्रिकेटर। तो ऑप्शन जो है वो है MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र आर अश्विन जिसको बोलते हैं, या फिर रविंद्र चंद्रम अश्विन। तो आंसर जो होगा वो होगा MS धोनी। और MS धोनी ने कब छुआ ये माइलस्टोन को, ये जब T20 खेल रहे थे, किसके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू कंटेस्ट असेंबली इलेक्शन इन पाकिस्तान। और आपके ऑप्शन जो है वो है सुनीता परमार, विष्णु चट्टोपाध्याय, भवानी शंकर चौधरी, मुकेश कुमार चावला। तो जो आंसर होगा वो होगा सुनीता परमार। और ये जो है ये सिंध से आती हैं, पाकिस्तान में जो सिंध है। और जो इलेक्शन है वो कब होने, वो होने 25 जुलाई को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। दूसरी बात, ये अभी पहला पार्ट है, हम वीकली
हर मंथ की वीकली करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड किया करेंगे, तो हर मंथ में आपकी 5 वीडियो करंट अफेयर्स पे हुआ करेंगे, जिसमें 25-25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिससे 125 क्वेश्चन पर मंथ हमको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स से। तो मुझे उम्मीद है कि जो 125 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के करेंगे, तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन छूट के फिर नहीं जाएगा हमारे आने वाले एग्जाम में, जो भी हम एग्जाम में देने जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।